टू स्टडी टुगेदर। माय नेम इज सुधीर साहू। पिछले वीडियो में हम लोग आरडी शर्मा का नंबर 37 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे, जो कि नंबर 38 है इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन सो दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट ओवर ऑफ एम एन। तो यहाँ पे LHS क्या है? LHS है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जो कि क्या होगा, m क्या है यहाँ पे tan थीटा प्लस साइन थीटा उसका स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। n क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या होता है वो, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू ए बी। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी का यूज करके क्या लिखेंगे, ये ए बी है और ये ए माइनस बी है, तो क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी। ए क्या है tan थीटा इंटू साइन थीटा विच इज इक्वल टू 4 इंटू रूट ओवर ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समय में आ रहा है, क्योंकि टेन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है रूट ओवर ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट लाइन क्या है, विच इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू रूट ओवर ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 इंटू रूट ओवर ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, हमें पता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 इंटू रूट ओवर ऑफ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जो कि क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, समय में आ रहा है। नेक्स्ट गिवन क्या था, रूट टेन प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल क्या था एम, तो उसके जवाब में एम लिख दिया और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन था, ये था आपका RHS, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट नंबर 39, नंबर 39 है इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन प्रूव दैट एम स्क्वायर एन टू द पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। वीडियो को थोड़ा पॉज करो और खुद से थोड़ा ट्राई करो, ठीक है, देखो दिमाग पे थोड़ा जोर डालो कैसे नंबर सॉल्व होगा, ट्राई करो। देखो क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और एम एन की जगह पे पुट करेंगे। गिवन क्या था, ये गिवन है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम,
दिस इंप्लाइज कोसेक थीटा क्या है, 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूँगा, इसको एलसीएम ले जाऊँगा, किसको, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम। दिस इंप्लाइज हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये क्या है, ये m का वैल्यू निकला, जो कि क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाइड वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट इस हिसाब से n का, n को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या था, यह हमारा क्या था, m का सिंप्लीफिकेशन है, n का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। n क्या था, sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज दैट sec थीटा क्या होता है, 1 बाय cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज cos थीटा एलसीएम गया तो क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, n। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं, m का सिंप्लीफाई वैल्यू क्या हुआ, m इज इक्वल टू आपका हुआ cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, एंड n इज इक्वल टू क्या हुआ, n इज इक्वल टू है sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अभी हमें प्रूफ करना है क्या, एम स्क्वायर एन टू द पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 है। क्या एम स्क्वायर एन टू द पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1। तो यहाँ पे क्या है, एम क्या है, एम के वैल्यू एम के जगह पे मैं पुट करूँगा और एन के जगह पे पुट करूँगा। तो एम के जगह पे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एम इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो एम स्क्वायर बोल रहा है तो उसका स्क्वायर एन, एन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हो गया आपका एन। तो हमें बोल रहा है एम स्क्वायर एन टू द पावर 2/3, तो ये 2/3 में लिख लिया। समय में आ रहा है? प्लस नेक्स्ट एम एन स्क्वायर, एम तो पता है हमें कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, जो कि क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा एम इंटू एन स्क्वायर। एन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा स्क्वायर टू द पावर 2/3। समय में आइए, दिस इक्वल टू क्या होगा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, इसका होल पावर क्या है 2/3। प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन टू द पावर 4 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया मैं, स्क्वायरिंग किया जहाँ पे था और उसको सिंप्लीफाई किया 2/3। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है, दिस कैंसिल दिस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा सेम है यहाँ पे, कॉस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या होगा कॉस क्यूब थीटा होगा, क्योंकि चार ठो यहाँ पे था, यहाँ पे एक है, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन थीटा बचा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसका पावर ये है,
हमें पता है क्या, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m इनटू n। तो यहाँ पे क्या है, a टू द पावर m टू द पावर n है, इसका पावर 3 है, उसके ऊपर भी पावर है 2/3, तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर m n, ठीक है, जो कि क्या होगा cos टू द पावर cos थीटा टू द पावर 3 इंटू 2/3 प्लस यहाँ पे होगा क्या sin थीटा टू द पावर 3 इंटू 2/3। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? Which is equal to क्या हो गया 1। ये था आपका नंबर 39। नंबर दिख रहा है बड़ा, बहुत आसान है, ठीक है, ध्यान से देखते रहो और खुद से पहले ट्राई करो ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट नंबर है नंबर 40। नंबर 40 है क्वेश्चन, इफ sec theta minus tan theta is equal to 1/p, समझ में आ रहा है, so that क्या करना है, so that prove that find that भी लिखा होगा, find that अगर लिखा होगा तो find the value of sin theta होगा, so that और prove that होगा तो क्या होगा, so that sin theta is equal to p square minus 1 divided by p square plus 1। ट्राई करो खुद से, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर दो, ठीक है। ऐसे नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर सॉल्व करोगे तो जो भी जितना भी इजी नंबर है वो सब चुटकी में होगा, ठीक है। देखो अगर sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p है तो क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा p, क्योंकि हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है, ये एक चीज है जो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, समझ आया, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू अगर 1/p है तो ये वैल्यू क्या होगा, जो ये वैल्यू 1 आएगा ये वैल्यू p होगा, तभी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, टोटल आंसर 1 होगा, समझ में, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख लिया tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। तो मान के चलता हूं ये अभी ये इक्वेशन 1 है गिवन वाला और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों का खेल है अभी, ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो क्या था, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p, ये गिवन था, मान लेता हूँ ये इक्वेशन 1, एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है p, ये हम लोग फाइंड किए, कैसे फाइंड किए पता चला, ये इक्वेशन 2, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा मुझे 2 sec थीटा इज इक्वल टू 1/p प्लस p, जो कि ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर बाय p, समझ में। नेक्स्ट दिस इंप्लाइज sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर प्लस 1 बाय ये 2 है इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, जो कि क्या होगा 2p हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ध्यान देखो, ध्यान से देखो क्या मिला, sec थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें p स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p, ठीक है। इस हिसाब से मैं tan थीटा का वैल्यू निकालूंगा, अगर नेक्स्ट देखते रहो, अभी मैं ये इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, ये इक्वेशन को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं माइनस करता हूं ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस होगा, ठीक है।
ये जो कट हुआ है उसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 tan theta माइनस 2 tan theta इज इक्वल टू क्या होगा, 1 minus p square by p, क्या होगा 1 minus p square by p। दिस इम्प्लाइज 10 theta इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 minus p square by -2p। तो मैं इसको और एक तरीके से लिख सकता हूँ, अगर ये माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा आगे तो ये हो जाएगा p square minus 1, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, p square minus 1 divided by 2p। समझ में आया। तो और एक वैल्यू क्या आया, 10 theta, 10 theta इज इक्वल टू क्या हुआ, p square minus 1 by 2p। ये समझ में आया। तो हमें तो बोला गया था कि साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप सर ये क्यों निकाले 10 theta और sec थीटा, इसका भी रीजन है क्योंकि हमें पता है 10 theta डिवाइडेड बाय sec थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इसीलिए मैं क्या किया 10 theta एंड sec थीटा का वैल्यू निकाला। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 theta बाय sec थीटा, कैसे, यहाँ पे देखो साइन 10 theta क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और sec थीटा क्या होता है 1 by cos theta। समझ में आ रहा है, cos cos कैंसिल, आया क्या sin theta, ठीक है। तो 10 theta का क्या निकाले हम लोग वैल्यू, p square minus 1 by 2p डिवाइडेड बाय p square plus 1 by 2p। यहाँ पे क्या होगा, 2p 2p कैंसिल हो जाएगा और ये होगा p square minus 1 by p square plus 1। ये था आपका प्रूफ जो कि साइन थीटा इज इक्वल टू p² - 1 / p² + 1, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।